अब सम नंबर 8 देखते हैं। जो हमारा सम नंबर 8 है वह है 257। 257 को मल्टीप्लाई करना है 181 से। तो यहाँ पर भी कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने के लिए 3 डिजिट नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेस से, जो वंस प्लेस पे है। यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमने इस 1 से इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 से करते हैं, तो जब 1 को 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 ही आएगा। अगेन जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस बार 0 लगाई है। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56 आएगा। 8 7 जा 56, 6 तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट प्लेस पे, और 5 हमारा क्या आएगा, ये हमारा कैरी हो। अब 8 को हम 5 से करेंगे, 8 5 जा 40, और 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45 बन जाएगा। फिर 5 को यहाँ लिखेंगे और 4 अगेन कैरी होगा। 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो ये पूरा नंबर 20 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अब आगे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और डिजिट नहीं बचा है। हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं और 8 से भी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 100 प्लेस पे है वो 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। परंतु पहले वंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे क्रॉस या 0 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी मल्टीप्लाई 100 प्लेस से स्टार्ट होगी। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, जब 7 से करेंगे तो 7 आएगा, और जब 1 को 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, और जब 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में जब 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रहेगा, दोनों बार 0 ऐड करके 7 ही आएगा। 6 और 5 11, और 11 में 0 ऐड करेंगे तो 11 ही रहेगा, 1 यहाँ आएगा और 1 कैरी यहाँ पर आगे इस यहाँ पर जोड़ देंगे। 5 और 2 7, 7 और 1 कैरी 8, 8 में जब 7 जोड़ेंगे 15 आएगा, फिर अगेन 1 कैरी बनेगा। इस 1 कैरी को नेक्स्ट नंबर में जोड़ेंगे, 5 और 1 6, अब कैरी नहीं बचा, 2 और 2 4, तो यह हमारा आंसर 46,507। नाइन्थ सम देखते हैं बच्चों। नाइन्थ सम है हमारा 629, और इसको मल्टीप्लाई करना है 214 से। जब 214 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वंस प्लेस पे डिजिट है 4, उससे स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल 9 तक रीड करेंगे, और जब 4 का टेबल 9 तक रीड करेंगे तो 4 9 जा 36 आएगा। यह 6 यहाँ वंस प्लेस पे लिखा जाएगा, और 3 हमारा कैरी बन जाएगा। इस 3 को हम नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें ऐड करेंगे। 4 2 जा 8, 8 में यह कैरी ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। यह 1 यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट प्लेस पे, और यह 1 हमारा क्या होगा, कैरी बन जाएगा। 4 6 जा 24, 24 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। यह 25 को हम पूरा ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करने के लिए आगे कोई और डिजिट नहीं बचा है। अब हम वंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब हमारी मल्टीप्लाई जो टेंथ प्लेस है वहाँ से स्टार्ट होगी। तो 1 को 9 से करेंगे तो 9 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 1 6 जा 6। अब इसी प्रकार 2 से, अब हम पहले वंस और टेंथ प्लेस पे क्रॉस लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई हमारी 100 प्लेस से स्टार्ट होगी। 2 को 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, और 1 आपका कैरी बचेगा। इस कैरी को नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे, 2 2 जा 4, और 1 कैरी 5 बन जाएगा। और ऐसे ही 2 को 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, इस 12 को पूरा लिख देंगे, क्योंकि अब आगे मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और नंबर नहीं बचा है।
इन नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 है, नीचे क्रॉस है, कोई नंबर नहीं है, तो 6 आएगा, 9 और 1 10, 10 की 0, 1 कैरी, और यहाँ पर कैरी 5 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 6 आएगा, 6 और 2 8, 8 और 8 16, अगेन 1 कैरी आएगा, 1 कैरी को यहाँ 2 में ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करेंगे, 9 आएगा, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 आएगा, 1 कैरी बचेगा, और ये 2 और 1 3, ये आपका 1 ऐसे रहेगा, वहाँ पर कोई कैरी ऐड करने के लिए नहीं है। तो ये आपका 1,34,606 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका जो 9th सम है ये सोल्व हो गया है। अब हम ये सम नंबर 10 सोल्व करते हैं। जो 10th सम है आपका ये है 318, 318 को मल्टीप्लाई करना है 207 से, 207, 7 का टेबल रीड करेंगे, 7, 8 जा 56, जब 56 आएगा तो 6 को यहाँ लिखेंगे और ये 5 आपका क्या बन जाएगा, यह है आपका कैरी बन जाएगा। अब 7 को 1 से करेंगे, 7 बन जा 7, और 7 में अपने जो हमारे 5 कैरी थे उनको ऐड कर देंगे, ये 12, 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हमारा कैरी आ जाएगा। 7, 3 जा 21, 21 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो ये 22 के इक्वल आ जाएगा। अब हम 22 को कंप्लीट यहाँ पर लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बचा है, इसलिए जो हमारे पास लास्ट में मल्टीप्लाई करके आया है उसे पूरा ही यहाँ पर लिखेंगे। अब वंस प्लेस पे यहाँ क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हम 7 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, फिर यहाँ करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, और जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु उससे पहले वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब हम 2 से शुरू करेंगे, 2 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 100 हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो डिजिट लिखेंगे हम 100 प्लेस पर ही लिखेंगे। 2 का टेबल 8 तक रीड करेंगे, 2, 8 या 16, 16 का 6 आएगा और यहाँ पर 1 कैरी बच जाएगा, ये 1 कैरी आ जाएगा। फिर 2, 1 जा 2, और 2 में 1 कैरी ऐड करेंगे, 3 आएगा, और 2, 3 जा 6, यह है आपका जो आया है। इन नंबर्स को हम ऐड कर देंगे वो आपका आंसर होगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 6 और 2 यहाँ पर 8, और 3 और 2 5, ये 6 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65,826।